बांके बाजार थाना अंतर्गत सोनदाहा गांव है, यहाँ पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, उसके एक हिस्से को उग्रवादियों के द्वारा नक्सली के द्वारा आईडी से विस्फोट करके क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इसकी सूचना हमें मिली है और सूचना के प्राप्त ही पुलिस एवं सुरक्षा बल, अर्थसैनिक सुरक्षा बल हमारे पास केंद्रीय बल है, सभी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसमें जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि कौन सा ग्रुप इसके पीछे है, और इस प्रकार की जो घटना है यह संभवतः यह निश्चित तौर से नक्सलियों के हताशा को, उनके ग्रुप की हताशा को ये परिलक्षित कर रहा है, क्योंकि अभी दो दिन पहले ही उनके ग्रुप के एक सक्रिय महिला कर्मी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, तो सब बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इस प्रकार की घटना से समाज में एक उनके प्रति सिंपत्ति नहीं जाएगी, स्कूल को क्षति करके कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ की घटना को सीरियस ले रहे हैं और अब सारी चीज़ों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं जानकारियाँ, और जल्दी इसमें कौन कौन से इसमें जो भी शामिल रहे हैं उग्रवादी या फिर ग्रुप, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कार्रवाई की जाएगी। CRPF भी वहाँ कुछ दिन तक रहेगी? जी हाँ, वहाँ पर विगत 6 तारीख को ही CRPF की सुंदहा कैंप वहाँ पर बनी है, वहाँ पर शिफ्ट हुई है टीम। उस टाइम के लिए यहाँ पर अस्थायी रूप से CRPF की टीम रह रही थी, तो इसी से बौखलाए हुए रहते हैं कि चूँकि बैकफुट पर है, और हमारी सक्रिय ऑपरेशंस, काफ़ी सारे ऑपरेशंस और हमारे लगातार अभियान चल रहे हैं, जिससे कि नक्सली और उग्रवादी ये लोग बैकफुट पर हैं, उनके जो भी बेसिस हैं ख़त्म हो रहे हैं, और इसी बौखलाहट में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मोटिव है कि गाँव के सुदूर इलाके हैं, वहाँ पर विकास ना हो, वहाँ के लोग पढ़ाई बाधित हो बच्चों की, जिससे कि इनकी जो सक्रियता है, जो इनका इल मोटिव है, वो बरकरार रखे। लेकिन सरकार, पुलिस प्रशासन, हम लोग पूरी तरह सजग हैं, और विकास साथ साथ शिक्षा और सुरक्षा, ये तीनों की गारंटी हम लोग देते हैं, और वहाँ पर इन चीज़ों का निरंतर प्रयास जो हमारा है वो चलता रहेगा। और ये बौखलाहट में उठाए गए कुछ कदम हैं, अभी विगत 2 दिन पहले एक महिला सक्रिय उग्रवादी को भी गिरफ्तार किया गया था, उसकी बौखलाहट में इस घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये सारी चीज़ें उनके बौखलाहट को, फ्रस्ट्रेशन को दिखा रही हैं, लेकिन हमारे फोर्सेस हम लोग इसमें पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, करेंगे। जब यहाँ आए सुबह तो देखे कि स्कूल हमें उड़ा हुआ है, पता चला कि रात में 8-9 बजे के लगभग कुछ लोग आए हैं, बिल्डिंग को उड़ा के चले गए। पता चला तो सुबह हम आए देखे उड़ा हुआ था। क्या स्कूल में क्षति हुई, नुकसान हुई है? 3 रूम जो है, 2 ऊपर और 2 नीचे, बुरी तरह से एकदम क्षतिग्रस्त हो गया है। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बेंच वगैरह और दस्तावेज, बेंच वगैरह ऊपर में था, जितना बेंच था सारा नष्ट हो गया, बचने कुछ नहीं बचा। आसपास के कोई पब्लिक से जानकारी नहीं है कितना संख्या में लोग आए हुए थे, क्या चीज़ से उड़ाए हैं? अभी तक तो हम ना गए हैं, पूछे हैं किसी से कितना संख्या में लोग आए, लेकिन आवाज़ जो था यहीं के लोग बता रहे थे कि अभी तो बहुत कस के धमाका हुआ। इससे पहले कभी सूचना वगैरह भी कुछ ऐसे मिली थी आपको? ना कोई कहीं भी पर्चा वगैरह छोड़ा उड़ा है कुछ नहीं? परिचय दे दिया, विनोद कुमार, मध्य विद्यालय सुन रहा हूँ। We'll be right back.
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.